Hello everyone, welcome to my Neat Learning channel and today we will discuss about an reproduction in organism जो कि NCERT का first unit है, ठीक है, first unit का first chapter है, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि reproduction क्या होता है। तो reproduction जो होता है वो two words से मिलकर बना होता है, re and production। re means again and production means produce करना, मतलब कि कोई भी अगर body है तो उसका again अगर production हो रहा तो उस process को क्या बोलेंगे, reproduction, ठीक है। तो इसको जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इन दिस प्रोसेस पेरेंट्स डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जो ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनसे आपके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन होता है जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइमिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, ठीक है। ठीक है, इसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है कि जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ में, बर्थ से फिर ग्रोथ में, ग्रोथ से डेथ में, डेथ से अगेन बर्थ, ठीक है। तो इस प्रोसेस, ये साइकिल चलती रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस, हाँ, ये भी देख लेते हैं पहले एक साइड कि जो लाइफ स्पैन होती है वो अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि बटरफ्लाई जो होता है उसका होता है 1 से 2 वीक लाइफ स्पैन, ठीक है, मतलब कि जो उसका लाइफ स्पैन होता है वो 1 से 2 वीक होता है। और उसके बाद क्रो का देख लेते हैं कि क्रो का होता है 15 ईयर, क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर एंड टॉर्टॉइस का 100 to 150 ईयर, पैरट का 140 ईयर और बनियान ट्री का 400 to 500 ईयर, राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ होता है, बनाना ट्री का 2 to 7 ईयर होता है और डॉग का 10 to 20 ईयर होता है एंड फ्रूट फ्लाई का 2 वीक होता है एंड हॉर्स का 40 to 50 ईयर होता है एंड काउ का 22 ईयर होता है एंड एलिफेंट का 50 to 70 ईयर होता है एंड रोज का 5 to 7 ईयर। तो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है कभी कदार, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो अगर वो टू टाइप्स में होती है, अगर वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, और अगर टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रिप्रोडक्शन में तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिपेरेंटल होता है, मतलब उसमें एक पेरेंट्स जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो यूनि पेरेंट्स होता है। उसके बाद आ जाते हैं फास्ट प्रोसेस होती है, क्यों, क्योंकि मतलब जो रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो फास्ट प्रोसेस के कारण ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये फास्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद सिमिलर टू पेरेंट्स फॉर्म न्यू बेबी एंड कॉल्ड क्लोन, तो जो इसमें जो न्यू बेबी जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्लोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें कि वन सेल होती है उससे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन नेवर, मतलब फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें मेल एंड फीमेल जायगोट इन्वॉल्व होते हैं, बट इसमें तो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा ना, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाईपेरेंटल, क्या बोलते हैं, बाईपेरेंटल। और ये स्लो प्रोसेस, क्यों, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें बनती है, जैसे कि जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद कई सारे स्टेजेस बनती हैं, मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद न्यू बेबी बनता है, ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए स्लो प्रोसेस है। उसके बाद नो सिमिलैरिटी टू पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में पेरेंट्स के तरीके सिमिलैरिटी पूरी नहीं होगी, काफी बहुत ही कम होगी, ठीक है, तो सिमिलैरिटी नहीं होती है ज्यादातर। मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, 1 सेल से कितनी सेल बन रही होंगी, 4, कितनी बन रही होंगी, 4 सेल बन रही होंगी, तो मियोसिस डिवीजन से 4 सेल बनती हैं, 1 सेल से कितनी बनती है, 4 सेल, तो इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, यस, क्योंकि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, इसलिए फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये यूनिपेरेंटल होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, सिमिलर टू पेरेंट्स फ्रॉम न्यू बेबी कॉल्ड क्लोन। एंड इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नेवर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होते हैं, स्लो प्रोसेस होती है, नो सिमिलरिटी टू पेरेंट्स, मियोसिस डिवीजन वन सेल से फोर सेल बनती है एंड फर्टिलाइजेशन यस ठीक है फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, जान लेते हैं क्या है। जो रिप्रोडक्शन है वो थ्री टाइप में डिवाइड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, थ्री टाइप में डिवाइड होता है। तो पहला क्या है, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर सेक्सुअल पढ़ लेंगे, फिर वेजिटेटिव पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कई पार्ट में होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कि फिजन क्या है। फिजन जो होता है, जैसे कि कोई बॉडी है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसे फिजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ब्रेक होना। ठीक है, तो जो पेरेंट बॉडी होगी अगर ब्रेक हो रही तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। ठीक है, दो पार्ट में होती है, बाइनरी और मल्टीपल। अगर सिंगल सेल जो है डिवाइड हो रही, कितने पार्ट में, टू सेल में डिवाइड हो रही, तो उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल अमीबा है और पैरामीशियम है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल। जब अगर सिंगल सेल कोई है तो वो डिवाइड होकर मल्टीपल सेल में डिवाइड हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो उसे क्या बोलती है, मल्टीपल फिजन। और उसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें कोई पेरेंट्स बॉडी होगी जिससे कि कोई जो कि फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, फ्रेगमेंट पार्ट में डिवाइड हो रही होगी तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्रेकेबल फॉर फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, जिसका एग्जांपल है सीलेंट्रेटा एंड पॉरीफेरा। ये दो फाइलम है जो कि फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, बडिंग। पेरेंट्स बॉडी फॉर्म बड, देन बड आर मेच्योर, देन रिमूव फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब पेरेंट्स बॉडी है उसमें एक बड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो जब तक मेच्योर नहीं हो जाती है तब तक वो ब्रेक नहीं होती है। जब मेच्योर हो जाती है तो फिर ब्रेक होके अपने न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, तो इसे क्या बोलते हैं, बडिंग। और ये सिंगल सेल में होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है और यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट एंड हाइड्रा। तो ये दो जो एग्जाम्पल है ये बडिंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ प्रोसेस क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होती है कि जैसे कि कोई भी जो पेरेंट बॉडी है उसके किसी भी पार्ट से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में जैसे आई प्रेजेंट होती है उससे आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद चेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन इज पेरेंट बॉडी डिवाइड इन मैनी पार्ट्स, देन दिस पार्ट्स आर फॉर्म न्यू बॉडी। मतलब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, प्लेन एरिया इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि कोई बॉडी है इसको हमने तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, कट कर दिया थ्री पार्ट्स में। अब अगर इसको थ्री पार्ट में कट कर देते हैं तो ये जो इसके थ्री पार्ट्स जो होते हैं, जो इस मतलब जो पेरेंट बॉडी है उसके जब थ्री पार्ट्स बन जाते हैं उससे भी न्यू जो डॉटर है, डॉटर प्लेन एरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट से डॉटर प्लेन एरिया बन जाते हैं, तो मतलब थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुए थे तो थ्री प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है मतलब जो स्पोर भी बोलते हैं इसे, स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर जो कि एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, दिस स्पोर आर कॉल्ड मोटाइल स्पोर। मतलब ये जो इसमें स्पोर जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें मोटाइल स्पोर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ये मोटाइल क्यों कर रहे हैं, तो बिकॉज दे हैव सम फ्लैजला, मतलब इसमें फ्लैजला प्रेजेंट है इसलिए ये मूव कर पाते हैं, इसलिए इन्हें मोटाइल स्पोर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल क्या है, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, फंजाई में कोनिडिया। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल हैं स्पोर फॉर्मेशन के। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, अमीबा। अमीबा में कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जान लेते हैं।
तो अमीबा जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंसेस्टेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन। तो इंसेस्टेशन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि स्पोरुलेशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो इंसेस्टेशन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, फॉर्म थ्री लेयर कवरिंग, मतलब जो जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो अपने चारों ओर थ्री लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, कवरिंग कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट, जो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिस्ट। जैसे कि एक सर्कल हो गया, इसमें थ्री लेयर बन गई और इसके अंदर अपना वो रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। उसके बाद इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इंसेस्टेशन, क्या बोलते हैं, इंसेस्टेशन। उसके बाद स्पोरुलेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है, इसमें सिस्ट जो होता है वो इंसेस्टेशन अमीबा डिवाइडेड इन मल्टीपल फेजन, मतलब जो सिस्ट कवरिंग जो होती है उसमें कई सारे अमीबा जो होते हैं वो, मतलब अमीबा जो होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर मल्टीपल फेजन करता है, मतलब कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फेजन बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले पार्ट रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जब कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अमीबा, तो वो सिस्ट के ही अंदर डिवाइड हो रहा होता है और फॉर्म्ड करता है स्यूडोस्पोर्स, जो कई सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोर, इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोर। उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जो जो डिवाइड हुए सेल्स वो जब मेच्योर हो जाते हैं, तो फिर जो सिस्ट होता है वो बस्ट हो जाता है। सिस्ट बस्ट होने के बाद जो मेच्योर अमीबा होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और मेच्योर अमीबा जब रिलीज हो जाते हैं तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो इतने पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है आपका दिया हुआ है राइजोम क्या होता है। तो राइजोम जो होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम, अगर आपका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड जो है मॉडिफाइड हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, राइजोम, राइट। उसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर, बनाना एंड जिंजर। जो बनाना होता है वो बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन आपका एग्जाम्पल जो है वो जिंजर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर आपको एग्जाम्पल सबसे पहले जो देना है वो आपको जिंजर देना है, नेक्स्ट आपको देना है बनाना, जो कि रेयर केस में होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, रनर, इट ग्रो हॉरिजॉन्टली टू ग्राउंड। उसके बाद आते हैं कटिंग फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब जैसे कि आपने एक, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, उसको अगर आपने, वो अगर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ग्राउंड से अटैच होकर ग्रो कर रहा है, तो अगर जब वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है, सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है और ग्रो करता है, तो फिर उसको कटिंग करके आप न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, सकर्स में क्या होता है, इट ग्रो ट्री एंड श्रब फ्रॉम इट रूट, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट के रूट पार्ट से होता है, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल दे रखा है एप्पल एंड चेरी, जिसका कि थैलेमस आपको ईट एनेबल, मतलब कि आप जो इनका जो थैलेमस होता है वो आप ईट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑफसेट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ऑफसेट, दिस इज ए स्मॉल प्लांट फॉर्म टू मदर प्लांट, मतलब कि इसके स्मॉल प्लांट जो होता है वो आपका फॉर्मेशन किससे होता है, मदर प्लांट से, ठीक है। जिसका एग्जांपल आपको दे रखा है वाटर हाइसिंथ। अब वाटर हाइसिंथ के बारे में जान लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम, ठीक है, जो आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, वाटर हाइसिंथ। अब ये जान लेते हैं ये क्या होता है, दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लांट ऑफ लीफ, मतलब जो ये लीफ, जो इसका जो प्लांट होता है उसके लीफ जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन आर रिमूव, मतलब ये जो होता है वाटर में प्रेजेंट होता है, वाटर हाइसिंथ आपके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि ये वाटर में प्रेजेंट होता होगा, ठीक है। तो जब ये वाटर में प्रेजेंट होता है तो वाटर से आप जो ऑक्सीजन होती है वाटर में उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, कौन रिमूव कर देता है, वाटर हाइसिंथ।
उसके बाद जब अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है तो फिर जो फिश होती है उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फिश की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस और इसे क्या बोलते हैं, जो वाटर आइजन था इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ग्रोथ आर ड्रेन्ड वाटर, मतलब जो वाटर होता है उससे वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रेन्ड वाटर। ठीक है, राइट मतलब राइट ड्रेन्ड क्या होता है, रुके हुए वाटर में ये ग्रो करते हैं जनरली। ठीक है, ड्रेन्ड वाटर मीन्स रुके हुए वाटर में ग्रो करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्यूबर क्या होता है, स्टोर न्यूट्रिएंट, जो कि आप क्या आपने देख रखा होगा। उसके बाद पहले इसको पढ़ लेते हैं कि स्टोर न्यूट्रिएंट होता है, थिकेंड अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, बड इज अ फॉर्म न्यू प्लांट। जैसे एग्जांपल दे रखा है पोटैटो फाई, मतलब आपने पोटैटो देख रखा होगा जो कि बहुत ही थिक होता है एंड स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टोर न्यूट्रिएंट, मतलब ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके ग्रो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है उसकी। ठीक है, और थिकेंड होती है। बड इज फॉर्म, बड प्रेजेंट होती है जब अगर उस बड को आप कट करके सोयल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो फिर आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, बल्ब क्या होता है। बल्ब इज अ शॉर्ट स्टेम फ्लैशी लीव सोयल ग्रो, मतलब अगर आप छोटे से स्टेम की छोटी सी पार्ट को, स्मॉल पार्ट्स को अगर आप कट करके सोयल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो फिर वो ग्रो कर लेता है। ठीक है, शॉर्ट स्टेम फ्लैशी लीव सोयल ग्रो। उसके बाद इसका एग्जांपल अनियन एंड गार्लिक, अनियन को देखा होगा कि वो बहुत ही थिकेंड और कैसा होता है, थिकेंड होता है और स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इस ये हो गया इसका एग्जांपल, जिसका एग्जांपल है अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, बल्ब का। ठीक है, इतना है समझ में आया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कितने एग्जांपल है, राइजोम हो गया, रनर हो गया, सकर्ष हो गया, ऑफसेट हो गया, ट्यूबर हो गया और बल्ब हो गया। तो कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके अंडर क्या 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 होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। राइट, इतना समझ में आया आपको। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि जो थर्ड पॉइंट आपका पढ़ाया गया था, मैंने पहले पढ़ा दिया मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पढ़ा दिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जुवेनाइल फेज होती है एंड वेजिटेटिव फेज होती है। तो जुवेनाइल फेज जो होती है वो किसमें होती है, एनिमल्स में। अगर एनिमल्स की जो प्राइमरी जो स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। अगर वही चीज अगर आपके प्लांट में हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज देख लेते हैं क्या होता है, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन लाइफ, दिस फेज कॉल जुवेनाइल फेज, जो कि ह्यूमन्स में होती है एंड एनिमल्स में होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनिमल्स जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं जुवेनाइल फेज में, तो वो आपको क्या क्रिएट करते हैं, रिप्रोड्यूस बिहेवियर, रिप्रोडक्शन का जो बिहेवियर होता है उसको आपको रिप्रोडक्शन बिहेवियर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आ जाते हैं जो वेजिटेटिव फेज होता है, जो स्टार्टिंग की फेज होती है रिप्रोडक्शन स्टेज के पहले की फेज होती है उसे वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, जो कि किसमें बोलते हैं, प्लांट्स में बोलता है। तो अगर यही चीज अगर आपके प्लांट्स में हो रही तो इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड इसका डिविजन क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन फेज। फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फेज जब आती है तो उसमें कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट, जो ये रिप्रोडक्टिव फेज होती है इसमें देखो, जो रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग फेज थी उसमें उसे जुवेनाइल फेज बोल रहे थे और वेजिटेटिव फेज बोल रहे थे। अगर प्लांट्स में हो रहा था तो वेजिटेटिव फेज बोल रहे थे, अगर एनिमल्स में हो रहा था तो उसे जुवेनाइल फेज बोल रहे थे। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसमें एनिमल्स और प्लांट वो दोनों में ही सिमिलर होती है। तो जो एनिमल्स में अगर हो रहा है तो भी उसे रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, प्लांट्स में हो रहा है तो भी उसे रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपकी सेनेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है? सेनेशन फेज। इसमें क्या होता है, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड सेनेशन फेज। मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वाली स्टेज होती है उसे सेनेशन फेज बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज में होती है। तो पहले क्या आई, जिसमें कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें वो कौन सी फेज थी? जुवेनाइल फेज थी या फिर वेजिटेटिव फेज थी, ठीक। और सेकेंड फेज क्या आती है? रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन की फेज होती है। उसके बाद आ जाते हैं सेनेशन फेज। ये किसकी किसका पार्ट होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, जो कि ओल्ड एज में होता है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या है? सम प्लांट अनयूजुअल बैम्बू स्पेशल फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम 50 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। मतलब जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अनयूजुअल होते हैं। कौन से प्लांट? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अनयूजुअल होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है बैम्बू। क्या दे रखा है आपको? बैम्बू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइफ टाइम में, मतलब पूरे उसका लाइफ टाइम में एक बार उसमें फ्लावर आते हैं। कितनी बार आते हैं? एक बार फ्लावर आते हैं और एक बार ही फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है? डेथ हो जाती है उनकी। क्या हो जाती है? डाई हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, मतलब पूरे अपने लाइफ स्पैन में वो केवल एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और एक बार आपका फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? बैम्बू प्लांट। उसके बाद आ जाते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है जो कि आपके नेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या दे रखा है, नीला कुरांजी। इसका एक और नाम क्या होता है? एस्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना। दे आर ग्रो इन केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जो कि कहाँ पर ग्रो करते हैं? केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये जो प्लांट है ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट। उसके बाद आते हैं, क्या दे रखा है? प्लांट आर रिप्रोड्यूस इन 12 ईयर। मतलब कि ये लाइफ टाइम में पूरे, मतलब 12 ईयर के डिस्टेंस में फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कितने साल बाद? 12 ईयर आफ्टर, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर रिप्रोड्यूस फ्लावर। उसके बाद फ्लावर ग्रो इन कौन से मंथ में? ये जो फ्लावर होते हैं वो ग्रो करते हैं सितंबर एंड अक्टूबर में। सितंबर एंड अक्टूबर में इसके फ्लावर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो लास्ट टाइम कब ग्रो हुआ था? 2006 में ग्रो फ्लावर। तब लास्ट टाइम 2006 में आपका जो फ्लावर था वो ग्रो हुए थे इस प्लांट में, ठीक है। आपके ये एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे तो अभी एक बार और ग्रो हो चुके होंगे, बट ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है टॉपिक? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन एनिमल्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन एनिमल्स में टू टाइप के साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रो साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो प्राइमेट्स में होती है, जैसे कि ह्यूमंस में, एप्स एंड मंकी में, जो कि एवरी मंथ होती है। एंड ईस्ट्रो साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में, जैसे कि काउ, कैट, डॉग, बफेलो। एंड जो कि सीजनल इफेक्ट होती है, मतलब कि जो कि सीजनल के कारण इफेक्ट हो जाती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एटमोसफेयर हो गया। उसके बाद आते हैं स्कैंटी ब्लीडिंग होती है। स्कैंटी ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? जो स्कैंटी ब्लीडिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? जब स्कैंटी ब्लीडिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं, तो इन जो ब्रीडर्स हैं इन्हें बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर। क्यों? क्योंकि इनमें सीजन का इफेक्ट होता है, राइट। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेजेस देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कि जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, तो मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलरिटी साइज। मतलब कि जो अगर आपका जो मेल एंड फीमेल गैमेट है उसका साइज अगर सेम है, मतलब कि सेम साइज के अगर गैमेट हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोगैमेट। क्या बोलते हैं? होमोगैमेट। या फिर एक और नाम क्या है इसका? आइसोगैमेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट, ठीक है। अगर सिमिलर साइज है तो ही उसे होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट बोलते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट साइज है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट इन साइज, दिस इज कॉल्ड इज ए हेट्रोगैमेट। क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेट, राइट। इनके बीच डिफरेंस समझ में आया कि अगर सिमिलर साइज होंगे तो उसे होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट बोलते हैं, अगर डिफरेंट साइज है
तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या दे रखा है, मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजाइट, मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजाइट और स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड एग और ओवम। ठीक है, तो जो एंथ्रोजाइट और स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज, कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज, जबकि फीमेल गैमेट में एग और ओवम जो होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं, कैसे होते हैं, बिगर इन साइज। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, जो ह्यूमंस में जो गैमीट होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, होमोगैमिट या फिर आइसोगैमिट, होमोगैमिट या फिर हेट्रोगैमिट, हेट्रोगैमिट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो अभी बताया मैंने कि स्पर्म जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और जो ओवम होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट साइज है इनका, ये स्मॉल है ये बिग है, तो जब डिफरेंट इन साइज हो तो इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमिट। राइट, इतना समझ में आया। तो ह्यूमंस में कैसे गैमिट होते हैं, हेट्रोगैमिट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या दे रखा है आपका, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे फोर पॉइंट दे रखे हैं आपके। तो जो होमोथैलिक होता है, होमोथैलिक का मतलब क्या होगा, जो थैलस होगा वो सेम मतलब एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, होमोथैलिक, क्या बोलेंगे, होमोथैलिक। उसके बाद आ जाते हैं, देखो होमोथैलिक क्या होता है, मोनोशियस होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फंजाई, क्या हो सकता है, फंजाई। अब देखिये मोनोशियस क्या होता है, अगर मेल एंड फीमेल जो गैमीट है या फिर मेल एंड फीमेल जो बॉडी होती है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं। और बायसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर कितने हैं, दो कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। अब देखिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या होता है, कुकुरबिटा एंड कोकोनट एंड कारा। ओके, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो किसके हैं, होमोथैलिक के। इसमें सभी में मेल एंड फीमेल जो होता है वो मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुकुरबिटा हो गया, कोकोनट हो गया एंड कारा हो गया। राइट, उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोथैलिक क्या होगा, तो जो मेल एंड फीमेल हो गया वो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो इसे हेट्रोथैलिक बोलते हैं। राइट, उसके बाद देखो एग्जाम्पल तो सेम है, उसमें भी फंजाई था, इसमें भी फंजाई है। उसके बाद उससे क्या बोल रहे थे, मोनोशियस, इसमें क्या बोलते हैं, डायोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, डायोशियस। और यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो तो वो यूनिसेक्सुअल हो गया, और मेल पार्ट प्रेजेंट हो तो उसमें यूनिसेक्सुअल हो गया, और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो वो भी यूनिसेक्सुअल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड डेट पाम एंड मार्केंशिया। राइट, उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें क्या दे रखा है, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो मेल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट, एंड जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे बोलते हैं पिस्टिलेट। ये हमने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, इसमें आप ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए, जो मोनोशियस और ये डायोशियस होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए यूज होता है, नॉट ए एनिमल्स, एनिमल के लिए आप यूज नहीं कर सकते। अब देखिए एनिमल्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, जैसे कि हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। जब आप एनिमल्स की बात करेंगे तो उसे आप हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, अगर दो जो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, किसके लिए, एनिमल्स में बोलेंगे। एनिमल्स में क्या बोलेंगे, अगर मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, बट अगर प्लांट्स में यही बात आ जाती है कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोशियस। राइट, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन वन बॉडी, तो क्या बोलेंगे उसे, हर्माफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल, जिसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल है, टेपवर्म हो गया, अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, लीच हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके एग्जाम्पल किसके, हर्माफ्रोडाइट के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या दे रखा है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स मींस मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो अलग अलग बॉडी में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। एनिमल्स में क्या बोल रहे थे, जब अगर सिमिलर बॉडी प्रेजेंट होती है एक ही में तो उसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। राइट,
जिसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है एम्फीबियंस, बर्ड्स, कॉकरोच, इंसेक्ट एंड मैमल्स. ठीक है, एम्फीबियंस, बर्ड्स, कॉकरोच, इंसेक्ट एंड मैमल्स, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल. जो एक्सटर्नल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आर आउटसाइड इन द बॉडी. तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर साइड हो रहा है, मतलब आउटसाइड हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जिसके एग्जाम्पल दे रखा है एल्गी, फिश एंड एम्फीबियंस. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका नीट एग्जाम में आपको पूछा जाता है. ठीक है, तो एल्गी, फिश एंड एम्फीबियंस. उसके बाद आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल, फर्टिलाइजेशन. अब देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में जान जाते हैं क्या होता है. फर्टिलाइजेशन आर इनसाइड एंड बॉडी. अगर फर्टिलाइजेशन आपका इनसाइड बॉडी के अंदर हो रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जिसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है फंजाई, मैमल्स, रेप्टाइल्स. ठीक है, क्या क्या दे रखा है, फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है, इतना समझ में आया. उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या दे रखा है, ओवी पैरास. क्या होता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर प्रोड्यूस एग एंड देयर एग. इतना पहले समझो, ठीक है, प्रोड्यूस एग मतलब जो भी एनिमल्स होंगे वो अगर एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ओवी पैरास. क्या बोलते हैं, ओवी पैरास. अब देखें अगर कंफ्यूजन होती है तो आपको याद रख सकते हैं, जैसे कि ओवी पैरास मतलब आगे क्या हो रहा, ओ, तो ओ जो होता है वो एग के शेप में होता है. ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि ओवी पैरास जो होता है वो एग प्रोड्यूस करते हैं. जिसके एग्जाम्पल दे रखे है बर्ड्स एंड रेप्टाइल, राइट. उसके बाद आते हैं देयर एग आर कवर्ड विद कैल्केरिया सेल. जो एग की कवरिंग होती है वो किससे होती है, कैल्केरिया शेल से, जो बहुत ही स्ट्रांग होती है और थिकेंड होती है. ठीक है, तो ये जो शेल होती है उसका क्या नाम होता है, कैल्केरिया शेल. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या दे रखा है, बेबी पैरस. क्या होता है, व्हेन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बेबी. अगर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें ओवी पैरस बोलते हैं, अगर बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं एनिमल्स से तो उन्हें वीवी पैरस बोलते हैं. जिसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है ह्यूमन्स, एनिमल्स. ठीक है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. उसके बाद आ जाते हैं, इतना समझ में आया आपको. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, प्लांट ओवरी आर डेवलप इनटू फ्रूट एंड देयर. इतना समझो पहले कि प्लांट के जो ओवरी होती है वो क्या डेवलप करती है, फ्रूट को डेवलप करती है. और उसके बाद जो उसका थिक वॉल होता है, आउटर कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प. क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, जो कि उसे बाहर की हार्मफुल चीजों से बचाती है. ठीक है, उसके बाद आते हैं एंड दे आर प्रोटेक्शन प्रोवाइड ऑफ सीड. जो कि जो ये पेरिकार्प होती है वो सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, बाहरी चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो थिक वॉल होती है वो बाहरी चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक, इतना समझ में आया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.